ये वीडियो हिंदी में है। स्टॉक मार्केट में बेसिक कैंडलस्टिक का कैसे पढ़ना पढ़ाई की जा सकती है इस बारे में है। तो हरी कैंडल क्या होती है, लाल कैंडल क्या होती है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल क्या होती है, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्या होती है, मारू बोजो कैंडल क्या होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम क्या होते हैं कैंडलस्टिक के, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यूएसडी आईएनआर डॉलर और इंडियन रूपी का चार्ट मैंने ओपन किया है स्टडी के लिए। और एक्नॉलेजमेंट देना चाहूँगा कि investing.com की वजह से ये हमको चार्ट मिल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। सो अभी देखते हैं कि हरी कैंडल और लाल कैंडल के बारे में। तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे कैंडल्स है इस चार्ट पर, हरे कैंडल है, कुछ लाल कैंडल है, हरे के अलग अलग आकार है। तो बहुत सारे कैंडल अलग अलग टाइप के, उसके एकदम अलग से पढ़ाई हो सकती है। लेकिन अभी एकदम जो शुरुआती दौर में है पढ़ाई के, उनके लिए ये वीडियो है। तो हरी कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ नीचे की तरफ से किसी ने खरीदारी की है, कोई बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं, और ऊपर की तरफ ये कीमत फिर गई है। आपको इस तरफ कीमत का एक बार दिख रहा है, इस पर कीमत अलग अलग आ रही है। सो इधर से नीचे से खरीदारी हो गई और ऊपर 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 गया। अपने को पता है कि कभी भी खरीदारी होती है, ज्यादा डिमांड रहती है, तो कीमत ऊपर 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 ये खरीदारी हो के ऊपर जाएगी। तो हरी कैंडल नीचे से खुलती है और ऊपर बंद होती है। अभी ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है, ये काली स्टिक जो दिख रही है, इसे बोलते हैं विक, WICK, विक या शैडो ऑफ द कैंडल। और ये नीचे की तरफ इधर इसको कुछ नहीं है विक। अगर दोनों की तरफ रहेगा, अगर ये दूसरी कैंडल के बारे में बोलूं, तो इसको ऊपर की तरफ भी विक है, नीचे की तरफ भी विक है, ऊपर भी शैडो, नीचे भी शैडो। लेकिन इस कैंडल को ऊपर ही सिर्फ विक है, नीचे की तरफ विक नहीं है। इसका एक्चुअली एक मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ से खरीदारी होती गई होती गई होती गई, इधर तक ऊपर तक भी होती गई, लेकिन उधर से फिर बिकवाली का प्रेशर आते गया और उसी वजह से नीचे 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 ये सेलिंग होके दिन खत्म होने तक इधर तक रुक गया वो दिन। ओके, सो इधर क्या हो गया, इधर शायद नीचे नीचे की तरफ ये इधर जाके इधर इधर तक आ गया, ऐसा हुआ हो सकता है। अभी अंदर जाके अगर छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखेंगे तो एक्चुअल पिक्चर समझ में आ सकता है। सो ये बिकवाली का दबाव यहाँ दिख रहा था। सो इसको अभी ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है कैंडल का, वो हम देखेंगे हरी कैंडल को देख के। ये जब भी सुबह मार्केट ओपन हुआ तो नीचे की तरफ से सिर्फ ऊपर 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 जाते गया, और अगर आप देखोगे कि ये इसको नीचे की तरफ वीक नहीं है, तो ओपन भी एक ही लेवल है और लो लेवल भी वही है। ओके, वेरेस ये कैंडल पे ओपन लेवल कुछ अलग हो सकती है, जहां सुबह मार्केट ओपन हुआ, वो डायरेक्ट कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा इस यहाँ से अंदर का डेटा देखे बिना। तो ओपन जिस भी कीमत पे हुई रहेगी, लेकिन लो नीचे तक वो मार्केट इधर तक गया और उधर से फिर इधर आया और इधर से बाइंग हो गई और ऊपर, और शायद इधर से भी नीचे आ गया। तो ये अलग अलग टाइप के कैंडल होती है, इसका इनडेप्थ जाएंगे तो अलग अलग अपने को इसके अर्थ समझेंगे क्या हो रहा है, कितनी बिकवाली हुई, कितनी खरीदारी हुई, ये इस चीज के अर्थ बिकवाली और खरीदारी के, एक पर्टिकुलर स्टॉक के या पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट के। तो अभी यहाँ पे ओपन भी सेम है और इसका लो भी सेम है, बराबर है। ओपन जिस कीमत पे हुई, उधर से नीचे नीचे की तरफ किधर गया नहीं और फिर ऊपर आया नहीं, यानी कि ओपन और लो दोनों सेम है, यानी कि इसको फ्लैट है, नीचे कुछ नहीं है। तो इस कैंडल को बोलते हैं ओपन इक्वल टू लो कैंडल, और ओपन इक्वल टू लो कैंडल ये हरी कैंडल होती है।
क्योंकि ये नीचे से खोल के ऊपर 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 की तरफ जाती है, लेकिन कुछ ऐसा नियम नहीं है कि ओपन इक्वल टू लो वाली कैंडल से ऊपर की ऊपर ही तरफ जाएगी। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं मार्केट में कि इधर से ओपन नीचे अगर हो गई तो थोड़ा सा ऊपर गई तो 15 मिनट मार्केट खुलने के बाद या कुछ ऊपर खरीदारी वाला ही फिर ट्रेड ले लेते हैं, और जो ओपन इक्वल टू लो वाली जो नीचे की जो लेवल रहती है उसको वो स्टॉप लॉस करके लगा देते हैं एक वैल्यू, यानी कि अगर कुछ लॉस होना है तो उस लेवल तक ही जाए, नहीं तो नीचे नीचे तक अगर गए तो मार्केट तो उनको खुद को बहुत लॉस हो सकता है। तो ज्यादा करके ये ओपन इक्वल टू लो की बेस लेवल जो है उसको स्टॉप लॉस करके यूजुअली वापरा जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये ओपन भी आपको पता चला और इस कैंडल में तो लो भी हुई है, और ये कैंडल में लो ये है, इस कैंडल का लो लेवल ये है, इस कैंडल का हाई लेवल ये है। सो एच दिस इज एल, ओके, और ओपन शायद ये हुआ रहेगा, और लेकिन क्लोज तो इधर हो गया, ये क्लोज, ये देखिए ये कैंडल क्लोज इधर हो गई, यानी कि ये क्लोजिंग लेवल हो गई जो राइट में आपको दिख रही है 74 की कीमत जो है, दैट इज क्लोज लेवल। अभी ये कैंडल के लिए क्या है क्लोज लेवल, इधर ऊपर जाके हाई टच करके इधर नीचे आ गया और इधर क्लोज हो गया, सो ये लेवल हो गई क्लोज की कैंडल। तो ऐसे ओपन हाई लो क्लोज शॉर्ट फॉर्म में इसको ओ एच एल और सी ऐसे लिखा हुआ आपको डेटा दिखता है यूजुअली कहीं पर भी। तो वो मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया। अभी लाल कैंडल, लाल कैंडल ये वाली अपन पढ़ाई करते हैं। लाल कैंडल यानी कि ऊपर से मार्केट शुरू होने के बाद में बिक वाली होते गई होते गई होते गई नीचे तक इधर तक आ गई, फिर उसके बाद में दिन के समय ही उसी ऊपर 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 की तरफ इधर खरीदारी भी हुई और इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग हो गया, यानी कि ओपन यहाँ पे हो गया मार्केट ओपन, इधर जाके उस दिन यूएसडी आईएनआर ने मार्केट, यानी कि यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मार्केट में यूएसडी आईएनआर के इधर इसने नीचे लो टच किया तो इसको एल बोलेंगे लो, और ये क्लोज हो गया। अगर इस कैंडल को अगले दिन की दिखे तो इसको ऊपर भी दिखे ऊपर नीचे भी दिखे, तो ये याद रखना कि खरीदारी वाली जो कैंडल रहती है वो नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होती है, वीक वाली वाली कैंडल जो होती है वो ऊपर से शुरू होके नीचे खत्म होती है। तो इसलिए हरी कैंडल के लिए ओपन लेवल जो है वो नीचे की तरफ रहती है और क्लोज लेवल जो है वो ऊपर की तरफ रहती है, और लाल कैंडल पर ये जो उल्टा रहेगा इधर ये जो इधर क्लोज हो गया तो इसके उलट ऊपर की तरफ तो ये ओपन हो गया और नीचे की तरफ क्लोज हो गया। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये स्टॉक मार्केट में लोगों को पता रहनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ये जानकारी नहीं होती है इसके बावजूद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जो सबसे बड़ी गलती है, सिर्फ न्यूज पर सुन के करते हैं, क्योंकि न्यूज बहुत सारी गलत भी फैलाई जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर से, तो उस पर सिर्फ विश्वास रख के ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत गलत बात है। तो प्लीज अगर आपको ये पढ़ाई नहीं जम रही है तो ये पढ़ाई होने तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा बिल्कुल ना इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करें, क्योंकि आपका खुद का नुकसान होना आपका बहुत ही निश्चित है उसमें। तो आपके अच्छे के लिए ये बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में आपको टेक्निकल यानी कि ये जो स्टडी जो है ये तो सिर्फ एकदम बेसिक लेवल का बता रहा हूँ, जस्ट लाइक एबीसीडी जैसे किसी को पढ़ानी होती है तो वैसे, इसके बाद में ये बहुत सारा स्टडी है इसमें जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आपको पता चला लाल कैंडल ऊपर से शुरू होके नीचे गई नीचे गई नीचे जाके इधर ऊपर तक आ गई और इधर क्लोज हो गया। लाल कैंडल का इधर ओपन था इधर क्लोज था, और ये इसका उल्टा, इधर नीचे इसका ओपन था और ऊपर इसका क्लोज था, और हाई लेवल इसका इधर ये वाला था लो लेवल इसका इसको था ही नहीं। ओके, ये कैंडल को इधर हाई था इधर ये लो था, और इसको भी हाई इसका ऊपर ही था लो इसका इधर ही था ग्रीन के लिए। ओके, तो लाल और हरी कैंडल ये आपको पता चल गया है। अभी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिखा देते। अभी ये जो एक कैंडल कौन सी भी जो दिख रही है आपको ये एक दिन की कैंडल है। अभी अपन देखते हैं कि 1 मिनट की कैंडल यानी कि बेसिक कैंडल, कोई भी एक्टिविटी जो होती है मार्केट में 1 मिनट के कैंडल पहले उसको ये फॉर्म होती है 1 मिनट का कैंडल। तो 1 मिनट का चार्ट है, अगर हम 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो ऐसे पांच जब भी कैंडल एक साथ होते हैं इकट्ठा कर दे
और उसको अगर 5 मिनट का चार्ट बना दे तो वो एक 5 मिनट की कैंडल बनेगी। ओके, सिमिलरली अगर 15 मिनट का कैंडल, यानी कि इसमें अगर कौन सा भी कैंडल पकड़े, तो समझो ये कैंडल जिस पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो एक कैंडल ये 15 मिनट की जो है ये तभी फॉर्म हो गई है जब भी 1 मिनट के चार्ट पर 15 कैंडल्स 15 मिनट के ड्यूरेशन में बने थे। आई होप आपको समझ रहा है। वैसे 1 घंटे की कैंडल, तो 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट का कैंडल, यानी कि 5 मिनट के 3 कैंडल जब भी 15 मिनट के चार्ट पर प्लॉट हुए तभी 15 मिनट की 1 कैंडल फॉर्म हो गई। वैसे ही ये बाकी अन्य रिलेशंस है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। ज्यादा करके जो इन्वेस्टर जो रहते हैं मार्केट में, यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, उनके लिए वीकली कैंडल और मंथली कैंडल का ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में सोचना होता है। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं जिनको एकदम कम समय में एंट्री और एग्जिट करनी होती है मार्केट में, जैसे कि एक ट्रेडर जो है वो 20 सेकेंड 25 सेकेंड के अंदर भी या 1 मिनट के अंदर भी 2-3 हजार कमा के मार्केट में से अपना बेसिक कैपिटल बाहर निकाल के आ सकते हैं, वो तभी होता है जब भी उतनी पढ़ाई हो जाती है। तो वो एक आर्ट है, कला है जो हर एक को सीखनी पड़ती है। तो उनको, यानी कि ट्रेडर्स को, उनको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कम ड्यूरेशन के टाइम फ्रेम वाली जो कैंडल्स जो है वो काम में आती है, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको ज्यादा ड्यूरेशन वाली कैंडल, यानी कि वीकली और मंथली पर काम ज्यादा करना होता है। तो अभी मारू बोजू कैंडल क्या है ये देखेंगे। ऐसे तो बहुत अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं, डोजी कैंडल होता है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी में भी अलग अलग प्रकार है, और फिर चार्ट पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग जैसे मैंने बोला होते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो में मैं सिर्फ मारू बोजू कैंडल एक्सप्लेन करता हूँ। मारू बोजू कैंडल वो कैंडल होता है जिसको हेड या टेल नहीं होता उस कैंडल को। अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ 1 मिनट चार्ट पर, इसी यूएसडी आईएनआर के। तो इधर दो कैंडल अपने को दिख रही है, कौन से भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है। अभी मुझे 1 मिनट के कैंडल फ्रेम में मुझे मिली है। अगर ये लाल कैंडल को आप देखे तो इसको नीचे भी विक नहीं है, यानी कि शेडो नहीं है, और ऊपर भी शेडो नहीं है। ये देखो, ये इसको शेडो है ऊपर, इसको कुछ नहीं है, यानी कि विक नहीं है। इधर क्या हुआ था, इधर ऊपर से ये नीचे आया हुआ है, ओके, लेकिन इधर कुछ नहीं है। तो इसे आपको अगर रिवाइज करना है, इधर रिवाइज करने को बहुत अच्छा है। इधर ये ओपन ओपन ऑफ कैंडल लाल वाले का ऊपर रहेगा, क्लोज ऑफ कैंडल नीचे रहेगा, हरे वाले का उल्टा, ओपन ऑफ कैंडल नीचे रहेगा, क्लोज ऑफ कैंडल ऊपर रहेगा। अगर आप ठीक से देखें तो इसको ऊपर विक नहीं है, नीचे विक नहीं है, तो इस कैंडल को बोलेंगे रेड कलर का मारू बोजू कैंडल है। MARU, मारू, BOZU, वन वर्ड है ये, मारू बोजू कैंडल। उन लोगों को जिनको जानकारी ठीक से नहीं रहती, कुछ भी बोलते हैं नाम, लेकिन इसका एक्चुअल इट इज उनके बोलते हैं मारू बोजू कैंडल, उसका नाम है ये कैंडल का। और ये ग्रीन वाली मारू बोजू कैंडल, हरी वाली जिसको ऊपर विक नहीं है नीचे विक नहीं है, इसको हरी वाली मारू बोजू कैंडल कहते हैं। तो इतना मैंने बेसिक्स इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी वीडियो क्लोज करने के पहले ये कैंडल देखिए, इस पे क्या हुआ रहेगा। इस पे नीचे की तरफ ओपन इक्वल टू लो है, यानी कि नीचे से खरीदारी होती गई, इधर ऊपर 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 गया गया इधर तक गया उस 1 मिनट के अंतराल में, और ऊपर से एक उसी 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में ऊपर से बिक वाली भी हो गई, और इधर ये क्लोजिंग हो गया। तो इसे बोलेंगे क्लोज ऑफ कैंडल। अगर आप कीमत राइट साइड पे जो दिख रही है वो है क्लोजिंग, यानी कि इधर क्लोज हो गई। इस 1 मिनट के ड्यूरेशन में क्या हो गया, इस लेवल पे ओपन हो गया, सो दिस इज इसे ओपन ऑफ कैंडल बोलेंगे। ये ऊपर गया, हाई बोलेंगे इस लेवल को, और नीचे आके ये इस लेवल पर क्लोज हो गया, तो इस लेवल को बोलेंगे क्लोज ऑफ कैंडल। ओके, और लो तो कुछ अलग है ही नहीं, तो इसलिए ओपन और लो दोनों एक ही हो गया, ओपन इक्वल टू लो हो गया। और एक बात बोलनी थी, अगर डेली टाइम फ्रेम पर कि क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में लोग, कि ओपन इक्वल टू लो कैंडल रहा, मैंने थोड़ा बोला भी है शुरुआत में, तो ओपन इक्वल टू लो हो गया, तो सुबह के समय इधर बाइंग कर देते हैं और नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस सेट करते हैं,
और ऊपर की तरफ जितना जाए उतना वो प्रॉफिट आने दे देते हैं। तो दिस इज, ये भी एक प्रकार है मार्केट में ओपन इक्वल टू लो कैंडल पर दिन में ट्रेडिंग करने का। फिर ओपन इक्वल टू हाई में इसके उल्ट किया जाता है, यानी कि समझो इस दिन पर अगर ट्रेडर को पता चला कि सुबह ही जो कैंडल देख के पता चलता है कि इधर ओपन इक्वल टू हाई बनाए ये, तो इधर से इस लेवल पर सेलिंग कर देते हैं, यानी कि शॉर्टिंग कर देते हैं, और ऊपर से नीचे 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 की तरफ ये नीचे जाते समय ये होगा उतना वो लोग प्रॉफिट बुक करवा लेते हैं। और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर इसके जाएगा नहीं, अगर वो देखते हैं कि थोड़ा 10 मिनट या कुछ इसके ऊपर जा नहीं रहा है तो ये ऑलरेडी उन्होंने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ रहता है, और अगर उनको लॉस होता रहेगा तो ये इस लॉस पर वो लोग एग्जिट कर लेते हैं, यानी कि इधर से ऊपर जाएगा ऐसे अनुमान उनको लगा तो अगर उनको हुआ तो कम ही लॉस हो जाता है और वो मार्केट से थोड़ा सा ही लॉस से बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो को कैसे ट्रेड किया जाता है वो भी मैंने बताया आपको। नीचे की तरफ इसको स्टॉप लॉस सेट करके, जब शायद थोड़ा सा इधर ऊपर आया रहेगा तभी बाइंग शुरू करके सिर्फ ऑब्जर्व करते रहने का और प्रॉफिट इकट्ठा करते रहने का। वेरैज इस साइड में ऊपर से जब भी ओपन इक्वल टू हाई हो गया है तो थोड़ा सा नीचे जब भी आया हुआ रहता है तो इधर से शॉर्टिंग करके ऊपर के लेवल पर स्टॉप लॉस सेट करके रख देने का, तो उतना ही लॉस होगा करके।